जी स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं तीन चीज़ें। पहला जो है वो है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जो तीसरा है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो हियर वी आर, द फर्स्ट टॉपिक दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, इसे समझने के लिए आपको एक एटम को देखना है, और ये एटम जो है वो आइसोलेटेड गैसियस एटम है। इसे कहेंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम। मींस अगर कोई मॉलिक्यूल है तो हम उसको इतना हीटअप करें, इसको इतना हम एनर्जी दें कि उसके एटम्स जो है वो अलग अलग हो जाएं, और गैसियस स्टेट में ही एटम्स जो है वो आइसोलेट हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव द काइंड ऑफ, यू कैन से, एनर्जी। दैट्स व्हाई द एटम्स टर्न अप इनटू आइसोलेटेड फॉर्म। तो सपोज कीजिए एक एटम को हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, और इस एटम के आउटर मोस्ट शेल में आपको यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, राइट? अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को, नो डाउट ये आपके बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है इस न्यूक्लियस के थ्रू, हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना पोटेंशियल दे रहे हैं, इतना एनर्जी इसको दिया जा रहा है, इतना हीटअप किया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली इस आउटर मोस्ट शेल से कंप्लीटली कंप्लीटली बाहर चला जाता है। अब बाहर चला जाएगा, दैट मीन्स व्हाट, इट मूव्स टू व्हाट, इनफाइनिट। मीन्स इस इलेक्ट्रॉन का कोई वास्ता नहीं रहेगा इस एटम से, क्लियर? तो यहां जो हम एनर्जी इस बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन को जो दे रहे हैं, वो एनर्जी जो है, वो पोटेंशियल जो है, इसी को ही कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर डेफिनेशन देखा जाए तो हम ये लिख सकते हैं, द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन इज इजीली रिमूव फ्रॉम यू नो आउटर मोस्ट शेल एंड इट वेंट टू व्हाट, इनफाइनिट। अब जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? अब एटम तो रहा नहीं, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कैटायन जो है बेसिकली यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, क्लियर? सो दिस इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। आइए देखते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसमें किस तरह से वेरिएशन हो सकता है। अगर कोई एटम को हम डिस्कस कर रहे हैं तो सपोज कीजिए ये एटम ने आ लिया है, बेसिकली इसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकेंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वी आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू 1 इलेक्ट्रॉन। सपोज हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं इस गैसियस एटम से, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। सो वी आर प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस आउटर मोस्ट शेल। जब हमने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन आउट हो चुका है, और देखिए ये एटम जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन आउट हो गया है, तो आउटर मोस्ट शेल में रह गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा कम होती है। अगर बात की जाए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी वो एंथैल्पी हुई इस ही आपके मेटल आयन में, अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां से रिमूव करना चाहता हूं, तो आई हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी, बिकॉज
जो जेड इफेक्ट है यानी कि आपके जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए वो कंपैरेटिवली बढ़ गया है, यानी अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा. नेचुरली इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं रिमूव करना चाहता हूं तो आई नीड मोर एनर्जी. दैट्स व्हाई द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली ग्रेटर देन व्हाट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो वन इलेक्ट्रॉन यहां से एक और आउट हो गया है, तो अब बच गया है केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन, राइट. अब यहां पर इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी हमें रिमूव करना है, तो वी हैव टू प्रोवाइड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. और यहां पर जब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी देंगे तो उसका वैल्यू और भी ज्यादा होगा, बिकॉज न्यूक्लियस का इस आउटर मोस्ट शेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा और मुश्किल होगा. तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू जो होगा वो कंपैरेटिवली ग्रेटर हो गया. तो यहां हम एग्जाम्पल जैसे हम शो कर रहे हैं, तो कोई भी आपके मेटल जैसे हमने लिया ये, तो इट विल टर्न अप इनटू व्हाट मेटल पॉजिटिव एंड इट विल टर्न अप इनटू व्हाट मेटल प्लस टू और टू प्लस एंड दिस विल बी व्हाट मेटल थ्री प्लस और प्लस थ्री. इन दिस मैनर वी कैन सी दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज बी लेसर देन द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इट विल बी लेसर देन थर्ड आयनाइजेशन. So the next one, that is the factors affecting ionization enthalpy. तो यहाँ हम बात कर सकते हैं चार अपने पास ऐसे factors हैं जो कि affect करते हैं ionization enthalpy को. First है जिसे हम कहेंगे आपके nuclear charge. Second जिसे हम कहेंगे penetration effect of the electrons. और थर्ड होगा जिसे हम कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट, और जो फोर्थ है जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. लेट्स टेक वन बाय वन. आइए देखते हैं इस सीरीज में न्यूक्लियस का क्या इफेक्ट रहने वाला है. तो बेसिकली लेफ्ट टू राइट अगर हम एक पीरियड में चलते हैं तो न्यूक्लियर इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम कह रहे हैं वो आपके इंक्रीज हो रहा है. तो अगर हम इस सीरीज में देखें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इसमें वन बाय वन आपके एक एक प्रोटोन जो है इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर. तो यहां हम शो कर सकते हैं प्रोटोन नंबर प्लस थ्री हो रहा है या आपके फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड ऑब्वियसली इस नियॉन में टेन हो रहा है. अगर हम यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक जनरल ट्रेंड ये होता है, लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं तो साइज छोटा होता है. तो साइज छोटा होने की वजह से इट मींस वी नीड मोर पावर टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, राइट. और एग्जैक्टली सेम यहाँ हो रहा है. इन केस ऑफ लिथियम सी दैट द आयनाइजेशन एंथैल्पी दैट विल बी 520 किलो जूल पर मोल, जो सबसे कम है, लेफ्ट में है सबसे कम है. बेरिलियम में देखिए 899 हो गया है, यानी कि इंक्रीज हो गया है. यहां पर बेरिलियम और बोरोन का अगर आप क्या बोलते देखते हैं तो बोरोन का जो आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 801 है, यानी कि कंपैरेटिवली लेसर देन व्हाट बेरिलियम. तो ऐसा हुआ क्यों? बेरिलियम जो है इसका अगर कॉन्फिगरेशन अगर चेक किया जाए तो इसमें आपके एस के अंदर जो है कंप्लीटली फिल्ड आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि टू इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो एक अचीव किया है इसने अपना एक कॉन्फ़िगरेशन, कैसा, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. अब कोई भी चीज स्टेबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, राइट. तो बेसिकली हम इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बेरिलियम का नंबर हो गया आपके फोर, तो ये आएगा आपके 1s2 2s2, राइट. तो इस वजह से क्या बोलते हैं, ये आपके थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा आईपी वैल्यू या आईई वैल्यू. अब बात करें आगे अगर बोरोन के लिए, तो बोरोन के लिए आपके 801 हुआ. इसी तरह से कार्बन में देखिए आपके 1086 हो गया. इसी तरह से नाइट्रोजन, और फिर उसके बाद देखिएगा आप क्या बोलते हैं इसमें ऑक्सीजन में थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है. नाइट्रोजन का आपके यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो इसका जो है हाफ फिल्ड जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उनका आपके क्रिएशन है बेसिकली,
तो हाफ फिल्ड कंडीशन जो होती है वो भी ज्यादा स्टेबल होती है, इस वजह से नाइट्रोजन जो होता है उसका आईई वैल्यू जो है, आईपी वैल्यू या फिर जो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू जो होगी वो कंपैरेटिवली ग्रेटर होगा नियर बाय व्हाट एलिमेंट्स से। आगे बढ़ते हैं, फ्लोरीन के अंदर ये आपके और इंक्रीज हो गया 1681, और फाइनली नियॉन के अंदर 2080 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर इफेक्ट है वो आपके एनई यानी कि आपके नियॉन में हुआ। 10 प्रोटॉन्स यहाँ पे आपके हो गए हैं, साथ के साथ में आयनाइजेशन एंथैल्पी 2080 हो गई है, यानी कि यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, इस वजह से ये आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बेरिलियम और बात की जाए नाइट्रोजन, ये कुछ आपके एलिमेंट्स हैं जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो सिस्टम है या अपनी पीरियडिक टेबल के अंदर वो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इसका रीजन आपको मैंने बताया, आपके यहाँ पे फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल है और यहाँ पर हाफ फिल्ड व्हाट आपके पी ऑर्बिटल्स है, और ऑब्वियसली क्या बोलते हैं नियॉन का सबसे ज्यादा इस सीरीज के अंदर होने वाला है आईई वैल्यू। आइए देखते हैं सेकेंड इफेक्ट जो है वो है आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट, और पेनिट्रेशन इफेक्ट ये कहता है कि अगर हम कोई भी आपके एटम को डिस्कस कर रहे हैं तो एटम के अंदर जो एस ऑर्बिटल्स होंगे वो इनसाइडर होंगे, न्यूक्लियस के बेहद करीब होंगे, पी ऑर्बिटल्स थोड़े से बाहर होंगे, डी और बाहर होंगे, और एफ ऑर्बिटल्स होंगे और बाहर होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये इफेक्ट आपके जो है पेनिट्रेशन इफेक्ट का मीनिंग यही है कि ऐसे आपके ऑर्बिटल्स जो न्यूक्लियस के बेहद करीब हैं, फॉर एग्जाम्पल के जैसे आपके एस, ठीक है, जो बहुत करीब होगा न्यूक्लियस के, तो बेसिकली उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तो नेचुरली बहुत मुश्किल होगा। ऑलराइट, तो दिस इम्पैक्ट और दिस इफेक्ट इज सिंपली सेइंग दैट एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीजेस, राइट, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट जैसे जैसे आपके इंक्रीज होगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, राइट। तो हम सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट, राइट, तो इंक्रीज होगा तो आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होगी आपके, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हम जनरल ट्रेंड इसमें आपके समझ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होगा, एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना, राइट, यानी कि एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट ग्रेटर होगा पी से, और पी का ग्रेटर होगा डी से, और डी का ग्रेटर होगा एफ से। सो वी कैन रिलीज वन इलेक्ट्रॉन यू कैन से इन एफ ऑर्बिटल कंपैरेटिवली इजियर देन व्हाट एस पी और डी ऑर्बिटल्स, राइट। आइए देखते हैं जो नेक्स्ट इफेक्ट है जिसे हम बोलते हैं आपके शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट में जैसे हम ये एटम को कंसीडर करते हैं तो इसका फर्स्ट शेल जो है इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेक्स्ट शेल जो है इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आउटर मोस्ट जो शेल है इसके अंदर सपोज कीजिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट शेल वाले और अंदर वाले जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कम्प्लीटली फिल्ड है, आउटर वाले जैसे हमने बताया यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेसिकली इनसाइडर जो इलेक्ट्रॉन्स ये फुलफिल है, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके अपर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन देंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ही करेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहां पर अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से शील्ड का वर्क करते हैं, राइट, और शील्ड का वर्क करेंगे तो ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे आपके, रिपेल करेंगे। जब रिपल्शन होगा, जब इन दोनों शेल्स में आपके रिपल्शन होगा तो इसका जो साइज है इट विल एक्चुअली लिटिल एक्सपेंड, राइट, और एक्सपेंड होने का जस्ट बिकॉज यही रीजन है कि भाई इसमें आपके क्या, ये आपके रिपल्शन बढ़ गया, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एज अ शील्ड का वर्क कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इस वजह से जिसका साइज है एटम का साइज वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब साइज इंक्रीज हो जाएगा तो न्यूक्लियस का इम्पैक्ट जो है हम कम ही शो करेंगे, राइट, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम इजीली
यहां से रिमूव कर सकते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा, राइट। तो अगर हम कंपैरिजन करें यहां पर देखिए जरा इस सीरीज के अंदर, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये अपने पास एटम्स है और इनका हम यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिस्कस कर रहे हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है आप देख सकते हैं कि लिथियम का सबसे ऊपर है यानी टॉप पर है, इट्स 520, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जो है अगर चल रहे हैं तो ये आपके डिक्रीज होता जा रहा है। तो डिक्रीज होने का रीजन बेसिकली यही है कि लिथियम का साइज जो है कंपेरेटिवली शॉर्ट हो गया है, यानी कि छोटा हो गया है इन कंपेरिजन टू सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सो वन बाई वन शेल्स का इंक्रीजमेंट है, साथ के साथ में आपके शील्डिंग इफेक्ट भी आपके इंक्रीज होगा इसी वजह से, और बहुत आसान होगा इस सीजियम में से इलेक्ट्रॉन को आउट करना। तो बेसिकली यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट जो है सीजियम के अंदर बहुत ज्यादा है, राइट, साइज भी बढ़ गया है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू जो है वो यहाँ पर सीजियम में कंपेरेटिवली लेसर होगा देन व्हाट अदर मेंबर्स। आइए देखें नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि भाई हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होता है, और स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन को आउट करना इट्स डिफिकल्ट टास्क, राइट। तो बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू वहां पर ग्रेटर हो जाएगा। सपोज कीजिए हम यहाँ पर बात करें कार्बन के लिए, तो कार्बन का यहाँ पर आईई वैल्यू अगर देखते हैं तो 1086 आता है, और नाइट्रोजन का अगर हम देखते हैं तो 1402 किलो जूल पर मोल हम डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कार्बन का अगर हम क्या बोलते हैं नंबर देखते हैं तो ये 6 हुआ, तो कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 n2p it's 2, राइट। एंड व्हेन वी कंसीडर व्हाट नाइट्रोजन, सो इट विल बी व्हाट 1s2 2s2 n2p yes 3। अगर यहाँ पर p ऑर्बिटल को हम डिस्कस करते हैं तो p ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर अगर हम p ऑर्बिटल्स को डिस्कस करते हैं तो इनको फिल किया जाएगा कुछ इस तरह से। तो p में आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए जरा गौर से हाफ आपकी फिल कंडीशन आ रही है, तो बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन्स हम 1 by 1 करके आपके इंक्रीज कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो होगा इसमें से ये इलेक्ट्रॉन्स निकालना ये थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? बिकॉज इट इज हैविंग द यस हाफ फिल्ड कंडीशन। तो इसकी हाफ फिल्ड कंडीशन यहाँ पर है, इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू नाइट्रोजन के लिए अगर देखें तो देखिए ग्रेटर हो गया है 1402, करेक्ट, इन कंपैरिजन टू व्हाट, कार्बन। सिमिलरली बात की जाए अगर हम बात करें फ्लोरीन और नियॉन के लिए, तो इनके केस के अंदर ये फ्लोरीन का आयनाइजेशन एंथैल्पी 1681 किलो जूल पर मोल है, और नियॉन का है आपके 2080, यानी कि नियॉन का कंपैरेटिवली ग्रेटर हो गया है। अब इसका रीजन वही बताएंगे आपके, तो नियॉन में आपके फुल फिल्ड जो है पी ऑर्बिटल्स हैं, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव करना यू नो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। सो बेसिकली वी कैन से दैट हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें से आपके इलेक्ट्रॉन रिमूव करना या उन एलिमेंट्स के लिए एटम्स के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो देखते हैं अगला टॉपिक जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका सबसे पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो बेसिकली द एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम एक्सेप्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द गैसियस नेगेटिव आयन। तो बेसिकली यहां पर इलेक्ट्रॉन जो एंटर कराना चाह रहे हैं हम इस O नेगेटिव में, जिससे कि आपके O2 नेगेटिव आपके फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो आपके पॉजिटिव हो जाती है, राइट, ओके। आइए देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन कौन से फैक्टर्स हैं. सो बेसिकली ये देयर आर द थ्री फैक्टर्स. द फर्स्ट वन दैट इज द एटॉमिक साइज. अब एटॉमिक साइज जो होता है वो आपके डायरेक्टली अफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को. तो जिस एटम का साइज जो है शॉर्ट होगा, छोटा साइज होगा, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू उतना ही ग्रेटर हो जाएगा, राइट. तो बड़े साइज के एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन नेचुरली आपके आसानी से नहीं करेंगे, राइट. तो अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट एक पर्टिकुलर आपके पीरियड के अंदर, तो एटॉमिक साइज हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है. अब एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट. सेकेंड जो आता है अपने पास न्यूक्लियर चार्ज. अब न्यूक्लियर चार्ज जो है, यहाँ हम बेसिकली बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है लेफ्ट टू राइट जो है हमेशा इंक्रीज करते हैं हम लोग. तो इंक्रीज होगा तो साइज नेचुरली छोटा होगा, और एटॉमिक साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपके इंक्रीज हो जाएगी. और बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड आपके ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो एलिमेंट्स जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं तो उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी हद तक पॉजिटिव होगा. Well, let's see that the next topic, that is the electron negativity. Electron negativity is basically a tendency to attract the electron, right? तो यहाँ इसका definition अगर हम देखते हैं तो electron negativity of an element is the tendency of its atom to attract the shear pair of the electrons towards itself in a covalent bond. तो एक covalent bond में electron को अपनी तरफ attract करने की जो tendency है उसे हम कहेंगे electron negativity. तो electron negativity जो होती है वो आपके up to down हमेशा decrease होती है, और अगर हम left to right बात करें तो वो हमेशा increase होती है.